So, very good evening, everyone. Good evening, sir. Good evening, Very sir. good evening, very good evening, everyone. So, today we are going to discuss the topic, the molecular basis of inheritance. So, all of you listen what I'm talking to you. So, today we are going to discuss the topic, molecular basis of Yes, inheritance. sir. This is the most important topic where the lots of questions are coming in your medical entrance examination. So, molecular basis of inheritance, it is a part of genetics. So, you know that in a second year, that is the second unit, it consists of three chapters. The fifth number chapter is the principle of inheritance and variation. And the sixth number chapter is the molecular basis of inheritance. And the seventh number chapter is the human evolution or evolution कह सकते हैं. So तीनों chapter से according to अगर NEET में comparison करेंगे तो बेटा लगभग चार से पांच सवाल तो बनते हैं every year. At least four to five सवाल बनते हैं NEET में हमेशा आते हैं यहाँ से. So यहाँ से हम लोग देखेंगे आज genetics. So molecular basis of inheritance. पहला बेटा एक टॉपिक का कंसेप्ट को आप मुझे बताइए. What is molecular basis of inheritance? What is molecular? You know that in day to day life, how many types of biology you have to study in your life? Can you tell me anyone? आप कितने प्रकार की बायोलॉजी पढ़े हुए हैं? कोई बता सकते हैं? एक्चुअली अपन देखेंगे बेटा देर आर थ्री टाइप्स ऑफ बायोलॉजी को हम लोग पढ़ते हैं. कितने प्रकार की बायोलॉजी को पढ़ते हैं हम लोग? बहुत सारा बायोलॉजी होता है लेकिन हम लोग तीन प्रकार की बायोलॉजी पढ़ते हैं अगर बायोलॉजिकल साइंस के अकॉर्डिंग अगर देखेंगे तो. पहला होता है बेटा मलेकुलर बायोलॉजी. क्या होते हैं? मलेकुलर बायोलॉजी. मॉलिक्यूलर बायोलॉजी. वेरी गुड. सो मलेकुलर बायोलॉजी मतलब क्या होता है बेटा? स्टडी ऑफ जीन्स और डीएनए. स्टडी ऑफ जीन्स डीएनए और क्रोमोजोम inside the nucleus. This study is called molecular biology. So molecular biology में हम ये gene, chromosome, DNA कैसे बनते हैं, cell की भीतर, nucleus की भीतर, इसके बारे में पढ़ाई करते हैं. अब देखेंगे बेटा, इसके बाद बेटा developmental biology आते हैं. developmental biology होते क्या है दोस्तों? developmental biology वो होते हैं जो एक single cell से लेकर बहुत सारे टिश्यू, बहुत सारे ऑर्गन और बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम्स को जोड़ के एक ऑर्गेनिजम्स को बनाते हैं और द ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल को बनाते हैं. तो इसको हम डेवलपमेंटल बायोलॉजी कहते हैं. यू नो दैट सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. एक सिंगल सेल से कैसे एक ऑर्गेनिजम्स क्रिएट हो रहा है, एक सिंगल सेल से कैसे एक ऑर्गेनिजम्स बन रहे हैं, इसी को डेवलपमेंटल बायोलॉजी कहते हैं. और इसके बाद तीन नंबर में हम लोग पढ़ेंगे एनवायरमेंटल बायोलॉजी को डील करेंगे. किसको डील करेंगे जी? एनवायरमेंटल बायोलॉजी को. एनवायरमेंटल बायोलॉजी और उसको एक्चुअली में कहा जाता है इकोलॉजिकल बायोलॉजी कहा जाता है. क्या कहा जाता है? इकोलॉजिकल बायोलॉजी. इकोलॉजिकल बायोलॉजी. इकोलॉजिकल बायोलॉजी मतलब क्या है बेटा? एक सिंगल ऑर्गेनिज्म से कैसे ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स बनते हैं जिसको अपन कहते हैं पॉपुलेशन, और कैसे ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन कम्युनिटी बनाते हैं, कैसे ग्रुप ऑफ कम्युनिटी इकोसिस्टम बनाते हैं, कैसे ग्रुप ऑफ इकोसिस्टम बायोस्फीयर और बायोम को बनाते हैं जिसमें एटमोस्फीयर, लिथोस्फीयर और हाइड्रोस्फीयर को देखने को मिलते हैं. तो डेवलपमेंट ऑफ बायोम और बायोस्फीयर फ्रॉम द ऑर्गेनिजम्स. तो ऑर्गेनिजम्स जो भी होते हैं बेटा ये यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं और मल्टी सेलुलर भी होते हैं, लेकिन ये रिप्रोडक्शन के माध्यम से क्या करते हैं? दे कैन रिप्रोड्यूस द लार्ज नंबर ऑफ प्रोजेनी और लार्ज नंबर ऑफ कॉलोनी अपना बनाते हैं. ठीक है ना? सभी को समझ में आया? तो आज की टॉपिक को हम लोग शुरू करें बेटा. सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस. मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, पहला वर्ड यहाँ पे आपको देखना होगा. व्हाट डू यू मीन द इनहेरिटेंस? इनहेरिटेंस क्या होते हैं? एनीवन टेल मी व्हाट इज इनहेरिटेंस? ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंटल जनरेशन टू द ऑफस्प्रिंग. वेरी गुड. एग्जैक्टली दिस इज द इनहेरिटेंस मीन्स द ट्रांसफर एंड द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम वन जेनरेशन टू नेक्स्ट जेनरेशन और द पेरेंट्स टू ऑफ स्प्रिंग.
This process is called what? Inheritance. So what do you mean inheritance? Heredity. Can you tell me what is heredity or inheritance? Mendel ki law mein aap log padhe hue honge. Heredity means bhi wahi hota hai. The transfer and transmitted of character from parents to offspring. Or this process is called inheritance कहते हैं. So can you tell me molecular basis of inheritance? जो molecular है क्या है? Gene, chromosome, DNA की माध्यम से क्या क्या changes होते हैं, क्या क्या transmit होते हैं एक parent से एक young offspring में या एक individual में या एक generation to दूसरे generation में. ये gene DNA क्रोमोसोम्स का ट्रांसमिटेड होता है. इसके बारे में आज की टॉपिक में हम लोग पढ़ने वाले हैं. सो कैन यू टेल मी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जेनेटिक्स? सो व्हाट इज जेनेटिक्स? जेनेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस इनहेरिटेंस और वेरिएशन. It's clear. It is the branch of biology which deals with the study of inheritance and variation, or heredity and variation, or inheritance, heredity or variation कह सकते हैं. तो इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे बहुत अच्छे से. तो आगे निकलते हैं फटाफट. चलिए तो फर्स्ट देखेंगे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में. यहाँ पे देखिए फटाफट दोस्तों, न्यूक्लिक एसिड किसके बारे में पढ़ेंगे? न्यूक्लिक एसिड. टेल मी व्हाट इज न्यूक्लिक एसिड? इट मे बी टू टाइप्स. वन इज द डीएनए और आरएनए, अदर वन इज द आरएनए. वेरी गुड. सो न्यूक्लिक एसिड कैन बी ब्रॉडली टू टाइप्स, डीएनए, अदर वन इज आरएनए. सो डीएनए, व्हाट इज डीएनए? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड. आरएनए क्या होते हैं? राइबोन्यूक्लिक. बोथ द डीएनए और आरएनए आर न्यूक्लिक एसिड. बस थिंग इज दैट बोथ आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द जेनेटिक मेटेरियल. व्हाट इज बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द जेनेटिक मेटेरियल? इट मींस क्या बेटा? जैसे हम लोग एक घर को बनाते हैं तो उसकी बिल्डिंग ब्लॉक क्या होती है? जो बाली और क्या होता है? ऐसे हमारे ऑर्गेनिजम्स के भीतर ये न्यूक्लिक एसिड, डीएनए और आरएनए जो होता है इसको बिल्डिंग ब्लॉक माना जाता है. ये बिल्डिंग बनाने जैसा एक सेल से एक ऑर्गेनिजम्स को बनाते हैं. ऑल ऑफ यू क्लियर? सो डीएनए इज द जेनेटिक मेटेरियल इन All the organisms or most of the organisms. आप कितने भी organisms को देखे हुए होंगे अपना environment में, biodiversity में, लेकिन उसमें लगभग organisms जो होते हैं बेटा उसमें क्या genetic material होता है? Most of the living organisms में DNA genetic material होते हैं. Always remember it. Very very important. Next हम लोग देखेंगे यहाँ पे बेटा. RNA is the genetic material in some viruses. तो बेटा आपको questions पूछा जाएगा अगर medical में, what is the genetic material of viruses? तो क्या लिखोगे? RNA लिखोगे. RNA. या आपको RNA. या आपको questions ये भी पूछे जा सकते हैं कि RNA genetic material of virus में होता है. तो वहां पे questions आपको पूछे जाते हैं virus में कौन सी genetic material है? तो RNA. या आपको पूछे जा सकते हैं आरएनए किसकी जेनेटिक मटेरियल है, कहां पे प्रेजेंट होते हैं? वायरस में. और मेनली ये जो आरएनए होते हैं बेटा, इनका काम क्या होता है? मोस्टली फंक्शन ऑफ मैसेंजर. ये आरएनए जो होता है, तीन प्रकार की आरएनए के बारे में पढ़ेंगे. एम आरएनए, आर आरएनए, टीआरएनए. टीआरएनए मैसेंजर, एम फॉर मैसेंजर, जो मैसेज और इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरे जगह को ट्रांसमिट करेगा. मैसेंजर आरएनए. टी फॉर ट्रांसफर आरएनए. ट्रांसफर आरएनए जो कि अमीनो एसिड को लेके आएगा राइबोसोम्स के पास प्रोटीन बनाने में.
और आर का राइबोसोमल आरएनए जो कि प्रोटीन बनाने में मदद करेगा, एमिनो एसिड एक एक को पेप्टाइड बन से जोड़ जोड़ के जोड़ जोड़ के जोड़ जोड़ के जोड़ जोड़ के क्या बनाएगा, प्रोटीन की सिंथेसिस करेगा। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रांसलेशन। व्हाट इज ट्रांसलेशन? ट्रांसलेशन हम लोग पढ़ते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोग पहला डिस्कस करेंगे जी द डीएनए के बारे में, स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। हम लोग डीएनए में पहला देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। आपको एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग में यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूं। तो पहला देख सकते हैं बेटा, व्हाट इज न्यूक्लियोटाइड्स एंड व्हाट आर पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स, कैन यू इमेजिन? तो स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए जानने से पहले हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, क्योंकि न्यूक्लियोटाइड से बनते हैं डीएनए। इसीलिए डीएनए कैसे बनते हैं, डीएनए कैसे पैकेजिंग होते हैं, उसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। इसके बाद हम स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए को देखेंगे और किसने स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए को डिस्कवर किया वो भी डिस्कस करेंगे। सो कैन यू टेल मी हु इज द फादर ऑफ जेनेटिक्स? ग्रेगर जोहान मेंडल। ग्रेगर जोहान मेंडल। जोहान मेंडल। ग्रेगर जोहान मेंडल इन 19th मेंडल इज द फादर ऑफ जेनेटिक्स। कैन यू टेल मी हु इज द फादर ऑफ द मॉडर्न जेनेटिक्स? विलियम बेटसन। हु इज विलियम बेटसन? विलियम बेटसन। एंड हु इज द फादर ऑफ द एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स? टीएच मॉर्गन। दैट मींस थॉमस टीएच मॉर्गन। टीएच मॉर्गन। वेरी गुड। सो बेटा यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे फटाफट, जल्दी जल्दी देखिए। पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स, पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स आर द पॉलीमोर्स ऑफ द न्यूक्लियोटाइड। क्या है पॉलीन्यूक्लियोटाइड? जो होता है पॉलीमोर्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड होते हैं। पॉलीमोर्स ऑफ द न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड क्या होते हैं हम लोग देखेंगे, ये न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर देखेंगे क्या होता है। इसमें नाइट्रोजिनियस बेसेस होते हैं, इसमें पेंटोस सुगर होते हैं, इसमें फॉस्फेट ग्रुप होते हैं। ये सब अटैच जब होते हैं तो उसको न्यूक्लियोटाइड कहते हैं हम लोग। और मोर देन न्यूक्लियोटाइड, जब एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड के साथ जब जॉइंट करता है बाय द हेल्प ऑफ फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड और एन ग्लाइकोसाइडिक, एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड के साथ कैसे अटैच होता है, कौन सी बॉन्ड के माध्यम से? फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड और ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। कैन यू टेल मी इसके बारे में भी? फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। Very good. So polynucleotides are the polymorphs of nucleotide. देखते हैं DNA and RNA are polynucleotides. दोनों polynucleotides होते हैं। So बेटा देखते हैं nucleotide कैसा होता है, कैसे nucleotide होते हैं, देख सकते हैं diagram में। एक nucleotide है, this is also one of the nucleotide, this is also one of the nucleotide, this is also one of the nucleotide. तो बेटा मैं आपको बता देना चाहता हूं, अरे डीएनए में चार न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर होते हैं। क्या क्या होते हैं डीएनए में? चार होते हैं। क्या क्या होते हैं? एटीजीसी होते हैं। क्या क्या होते हैं? एटीजीसी। ए फॉर एडेनाइन, टी फॉर थायमिन, जी फॉर गुआनाइन, गुआनाइन साइटोसिन। और आरएनए में क्या होते हैं? एयूजीसी होते हैं। आरएनए में क्या होते हैं? एयूजीसी। ए फॉर एडेनाइन, यू फॉर यूरासिल, जी फॉर गुआनाइन, सी फॉर साइटोसिन। थायमिन की रिप्लेस, थायमिन को रिप्लेस करके यहाँ पे आरएनए में क्या होते हैं? यूरासिल प्रेजेंट। यूरासिल। वेरी गुड। तो बेटा अभी हम लोग देखेंगे ये वाला कंसेप्ट मैंने जो बताया, डीएनए और आरएनए में क्या न्यूक्लियोटाइड होते हैं याद रखिएगा। तो चलिए देखते हैं न्यूक्लियोटाइड चेन कैसे होते हैं। तो देखो बेटा इसमें क्या क्या होते हैं मैं आपको पहले बता देना चाहता हूँ फटाफट। यहाँ पे देखिए पहला देखो बेटा, फाइव बेस की एंड की तरफ क्या है यहाँ पे? फाइव बेस की एंड की तरफ क्या है यहाँ पे? देखो फॉस्फेट ग्रुप अटैच होते हैं। फॉस्फेट ग्रुप हमेशा मेडिकल में सवाल पूछे जाते हैं, फाइव डेज या थ्री डेज एंड, कौन सी एंड में फॉस्फेट ग्रुप अटैच होता है? फाइव डेज एंड में फॉस्फेट होता है और हाइपेस्ट। और थ्री डेज एंड में क्या होते हैं बेटा? हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है। क्या होते हैं?
हाइड्रोक्सिल ग्रुप। वेरी गुड। तो बेटा यहाँ पे देख सकते हो आप फॉस्फेट ग्रुप कार्बन हाइड्रोजन के साथ अटैच हुआ है। ये तो आपका फॉस्फेट ग्रुप टोटल हमने कहा, आप ये पी फॉर फॉस्फेट लिखा हुआ है। देखो आप ये जो है बेटा क्या है, पेंटोस शुगर है। क्या है बेटा? पेंटोस शुगर। पेंटोस जो पांच वाला आपको दिख रहे हैं सारे डायग्राम में, दिस ऑल आर द फर्स्ट पेंटोस शुगर। क्या है? पेंटोस शुगर। पेंटोस शुगर। वेरी गुड। अगर टाइम हो जाएगा फिर से लॉगिन कर लेना। अब बेटा ए ए ए टी जी और सी, इसको क्या कहते हैं? नाइट्रोजेनस बेसिस कहते हैं। क्या कहते हैं राशेस? नाइट्रोजेनस। वेरी गुड। सो बेटा एक न्यूक्लियोटाइड बनने में क्या क्या कंपोनेंट होते हैं? देखो न्यूक्लियोटाइड में तीन कंपोनेंट, एक होता है नाइट्रोजेनस बेस, क्या होता है नाइट्रोजेनस बेस, तीसरा क्या होता है पेंटोस शुगर, और चौथा शुगर, और चौथा क्या होता है हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है। ऑल ऑफ यू क्लियर? ऑल ऑफ यू क्लियर? फाइव डेसेंट में कौन सी ग्रुप अटैच होते हैं? फॉस्फेट होते हैं। थ्री डेसेंट में कौन सी ग्रुप अटैच होते हैं? हाइड्रोक्सिल होते हैं। और एटीजीसी क्या होता है? हाइड्रोक्सिलस बेसिस होता है। और जो पांच वाला पेंटागन देख रहे हो क्या होता है? पेंटोस शुगर होता है। पेंटोस शुगर। पेंटोस शुगर। आप हम लोग पढ़ेंगे आगे जाके नाइट्रोजेनस बेसिस में क्या क्या होते हैं। प्यूरिन होता है, पिरामिडिन होता है, किसमें एडेनाइन ग्वानाइन होता है, किसमें थायमिन साइटोसिन यूरासिल होता है, उसके देखेंगे। तो स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोटाइड आपको समझ में आया? आप स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोटाइड, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोटाइड है, आप इसको मोर देन दो पोली, एक को न्यूक्लियोटाइड कहोगे। स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोटाइड एक है, और एक स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोटाइड यहाँ पे देखो, ये एक स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोटाइड दूसरे स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोटाइड के साथ ये जो जॉइंट किया यहाँ पे, ये जो जॉइंट किया, इसको कौन सी बॉन्ड कहेंगे? फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड कहेंगे। क्या कहेंगे? फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। ऑल ऑफ यू क्लियर? वेरी गुड। तो चलिए फटाफट आगे देखिए, कहीं पे समझ में नहीं आएगा तो क्वेश्चंस पूछ लीजिएगा, ठीक है ना? अब देखो बेटा यहाँ ये डायग्राम पे आपको आसानी से यहाँ पे समझने को मिलेंगे। तो देखिए फटाफट देखो बेटा, पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स हमने क्या पढ़ा था? अरे पॉलीमर्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड होता है। क्या होता है? पॉलीमर्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड होते हैं। क्या होते हैं? डीएनए आरएनए दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। क्या होते हैं? दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। बेटा न्यूक्लियोटाइड्स में मैंने कितना बोला था? अरे न्यूक्लियोटाइड्स में तीन कंपोनेंट्स होते हैं। कितने कंपोनेंट्स होते हैं? तीन कंपोनेंट्स होते हैं। कंपोनेंट्स क्या है? अरे पहले वाला कंपोनेंट्स नाइट्रोजेनस, नाइट्रोजेनस बेस, पेंटोस शुगर एंड पेंटोस शुगर होते हैं। कंपोनेंट्स क्या होता है? फॉस्फेट ग्रुप होता है। ऑल ऑफ यू क्लियर व्हाट आई एम टॉकिंग टू यू? शुगर में बेटा यहाँ पे ये पेंटोस शुगर में दो चीजें आपको देखने को मिलेगा। अगर आरएनए का केसेस है तो आपको राइबोज देखने को मिलेगा, और डीएनए का केसेस है तो डिऑक्सी राइबोज देखने को मिलेगा। ऑल ऑफ यू क्लियर? अब स्ट्रक्चर आप न्यूक्लियोटाइड बेटा देखो, मैंने बताया था क्या क्या होते हैं यहाँ पे। एक आपको देखने को मिलेगा फॉस्फेट ग्रुप, दूसरा आपको देखने को मिलेगा नाइट्रोजेनियस बेसिस, तीसरा आपको देखने को मिलेगा पेंटोस शुगर, और इधर यहाँ पे नहीं दिया है पेंटोस शुगर। क्लियर? चलो तो आगे चलते हैं हम लोग अभी नाइट्रोजेनियस बेसिस के बारे में डिस्कस करेंगे। किसके बारे में? यहां से मेडिकल में एक क्वेश्चन आ जाएगा, लिख लो कॉपी में, नोट कर लो, एक क्वेश्चन आ जाएगा यहाँ पे देख लेना। पहला क्वेश्चन क्या है कौन बता सकते हो? दिख रहा है स्क्रीन में, फटाफट बोलो कौन सी क्वेश्चन यहाँ सबसे टॉप मोस्ट इंपोर्टेंट है। अरे देख लो रे, व्हाट इज द अनदर केमिकल नेम ऑफ थायमिन रे? द अनदर केमिकल नेम ऑफ थायमिन इज 5-methyl यूरासिल, व्हिच आर प्रेजेंट ओनली इन डीएनए, बट द यूरासिल प्रेजेंट ओनली इन आरएनए। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट, काइंडली रिमेंबर इट गाइस।
So what is the other chemical name of thymine puchega? To answer me kya likhenge? 5-methyluracil. Kya likhenge? 5-methyluracil. 5-methyluracil. Very good. और ये thymine जो होते हैं only DNA में present होते हैं और absent होते हैं RNA में. और uracil जो होता है present होते हैं RNA में absent DNA में. Remember it. So बेटा हम लोग पढ़े थे क्या रे? Nucleotide में क्या होता है? अरे डीएनए का न्यूक्लियोटाइड क्या होते हैं? चार होते हैं एटीजीसी एयूजीसी. हमने न्यूक्लियोटाइड में क्या क्या कंपोनेंट पढ़ा? पहले पढ़ा फॉस्फेट ग्रुप, दूसरा पढ़ा नाइट्रोजनस बेसेस, तीसरा पढ़ा हाइड्रोक्सिल. बेटा नाइट्रोजनस बेसेस दो कंपोनेंट्स होते हैं. क्या क्या होते हैं? इट कंसिस्ट ऑफ टू कंपोनेंट्स. नाइट्रोजनस पहला प्यूरिंस होता है, दूसरा होता है पिरिमिडिन. तो प्यूरिंस में दो टाइप का होता है, एक एडेनाइन होता है और गुआनाइन होता है. तो ऑलवेज रिमेम्बर इट, प्यूरिन में क्या क्या आएगा? अरे ए और जी प्यूरिन है. ए जी ओ जी पढ़े हो कि नहीं? तो ए जी क्या है? प्यूरिन है. और सी टी यू क्या है? सी टी यू. ए जी ने सी टी यू करने गया. ए जी प्यूरिन है, पिरिमिडिन सी टी यू. सी फॉर साइटोसिन, पी फॉर थायमिन, यू फॉर यूरासिल. और ऑफ यू क्लियर बेटा? क्लियर ना? यस सर. और ये यहाँ पे ये सभी का एक डायग्राम दिया हुआ है. यहाँ पे एडेनाइन कैसा दिखता है, गुआनाइन कैसा दिखता है, साइटोसिन कैसा दिखता है, थायमिन कैसा दिखता है और यूरासिल की स्ट्रक्चर कैसे दिखता है. ये स्ट्रक्चर मेडिकल में पूछे ना जाते हैं, इसके लिए एको पर्सन का जरूरी नहीं है. जिसके पास ज्यादा अगर टाइम होगा वो स्ट्रक्चर को याद कर लीजिएगा. दो यहाँ पे एक हेक्सागोनल पेंटोस शुगर होते हैं, कैसे ये लोग का न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर यहाँ पे बनता है ये देख लीजिएगा. ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, सब याद रख लीजिएगा स्ट्रक्चर को अगर टाइम हो पाएगा. नहीं तो मेडिकल में कभी भी आप 32 इयर्स का अगर पेपर है तो देख लो, ये स्ट्रक्चर पूछेगा नहीं. कभी कभी बाय चांस अगर रियर पूछा होगा तो पूछा होगा, ये पढ़ना आपके ऊपर जिम्मेदारी. ठीक है? यस सर. तो अब देखेंगे बाबू रे डीएनए में. डीएनए तो बेटा कैसा होता है? डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है. लेकिन क्या डायरेक्टली साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था क्या ये डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है? ये राइट फैशन राइट हैंडेड थंब रूल को शो करता है. इसका अंदर नाइट्रोजनियस बेसेस होते हैं. आपको पता है बैक्टीरियोफेज में कितने नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर होते हैं, कितने डीएनए की बेस पेयर होती है, ह्यूमन में कितने होते हैं, ह्यूमन जीनोम में आपको पता है, वायरस में कितने हैं, लामड़ा फेज में कितना होता है? नहीं पता ना? वो सब थोड़ा थोड़ा याद रख लीजिएगा. तो पहले देखते हैं हम लोग, ये वाला कॉन्सेप्ट ऑलरेडी पढ़ चुके हैं बट यहाँ पे एक क्वेश्चन यहाँ पे आप डील करता है इसलिए बता दे रहा हूँ. देखो आगे पढ़ेंगे डबल हेलिकल स्ट्रक्चर जेम्स वाटसन एंड फ्रांसिस क्रिक ने 1953 में डिस्कवर किया था. लेकिन उसके पहले बेटा फ्रेडरिक मेशर ने न्यूक्लिन को डेवलप किया था, उसके बारे में. सो नाइट्रोजेनियस बेसिस जो होता है, नाइट्रोजेनियस बेसिस क्या क्या होते हैं बेटा? मैंने अभी अभी बताया था आपको एटीजीसी सबको क्या कहते हैं? नाइट्रोजेनियस. नाइट्रोजेनियस बेसिस इज लिंक टू द पेंटोस शुगर. तो बेटा देखो ये नाइट्रोजेनियस बेसिस है. ये नाइट्रोजेनियस बेसिस ए हो सकता है, टी हो सकता है, सी हो सकता है, जी हो सकता है, या आरएनए हो तो एयूजीसी हो सकता है. ये ना बेटा? तो ये नाइट्रोजेनियस बेसिस ये क्या है? मैंने बताया था आपको पेंटोस शुगर बेटा. तो पेंटोस शुगर के साथ जब भी नाइट्रोजेनियस बेसिस जॉइंट होते हैं इसी बॉन्ड को क्या कहते हैं बेटा? एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड. एन ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज कहते हैं. ये नाइट्रोजेनियस बेस इज लिंक टू द पेंटोस शुगर थ्रू ए एन ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज टू फॉर्म क्या बनाता है? न्यूक्लियोसाइड बोलते हैं इसको. क्या कहते हैं? सभी को याद रहा ना? लेकिन मैंने बोला था, लेकिन मैंने आपको बोला था एक न्यूक्लियोटाइड अगर दूसरे न्यूक्लियोटाइड के साथ अगर बॉन्ड करेगा तो इसको फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड कहेंगे. क्या कहेंगे? फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड.
फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड कभी सवाल पूछे जाते हैं गो तो देखी दिया पिले बे फटाफट कल थानो 5 बजे डेली हबा बायोलॉजी क्लास मोटा 5 बजे पूरा सब ऑनलाइन थिबो कल थानो और गड़बड़ नहीं हुए हां सर यस सर देखो न्यूक्लियोसाइट इन आरएनए में क्या-क्या न्यूक्लियोसाइट होता है एडेनोसाइन होता है गुआनोसाइन साइटिडिन और यूरिडिन जिसको यूरासिल साइटोसिन एडेनाइन और गुआनिन कहते हैं और न्यूक्लियोसाइट इन डीएनए में अगर देखोगे तो यहां पे राइबोस को हमने ऐड किया यहां पे डीऑक्सी को डीऑक्सी राइबोस को ऐड करेंगे तो डीऑक्सी एडेनोनाइन कहेंगे